स्पाई स्कूप की बातें। तो आज लोकेंद्र शर्मा बायोस्कोप की बातें करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसमें दो नायक थे। एक तो थे राजकुमार और दूसरे मनोज कुमार। राजकुमार और मनोज कुमार की जोड़ी वाली यही पहली और आखिरी फिल्म थी। एक और दिलचस्प बात इस फिल्म की कहानी में ये थी, दोनों नायकों की भूमिकाएं समानांतर चलने के बावजूद मनोज कुमार और राजकुमार किसी भी दृश्य में कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं आते। जाहिर है उनमें कभी कोई संवाद भी नहीं होता। क्या आप बता सकते हैं ये फिल्म कौन सी थी? चलिए हम आपको एक क्लू और देते हैं। इस फिल्म में राजकुमार और मनोज कुमार की नायिका थी वहीदा रहमान। ये फिल्म छठे दशक के उत्तरार्ध में रिलीज हुई थी और हिट भी हुई थी। साथ ही इस फिल्म का संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। दोस्तों अब तो आप पक्का समझ चुके होंगे कि हम किस फिल्म की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, आज की फिल्म है नील कमल, जिसके बारे में निर्देशक राम माहेश्वरी, पुरानी पत्रिकाओं और फिल्मी हस्तियों से जानकारी बटोरी है रमेश जोशी ने। प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में सहायक हैं राजलक्ष्मी, और हर बार की तरह आज भी बाइस्कोप की बातें आपको सुना रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। तो आइए सुने फिल्म नील कमल की बातें। तुझको पुकारे मेरा प्यार, हो तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्मवाद। कर्मवाद के अनुसार चूंकि हर कर्म का एक फल होता है, इसलिए अनिवार्य रूप से मनुष्य को ये भोगना भी पड़ता है। मान्यता है कि यदि किसी कारण से कर्म का फल इस जन्म में नहीं भोगा जा सके तो उसे अगले जन्म में भोगना पड़ता है। यानी कर्मवाद से ही जुड़ा है पुनर्जन्म का सिद्धांत। पुनर्जन्म के इस सिद्धांत ने कथाकारों को भी खूब लुभाया है। इसीलिए पुनर्जन्म को विषय बनाकर ढेरों कहानियां भी रची गईं और उन पर फिल्में भी बनी। वैसे चूंकि पुनर्जन्म का मूल सिद्धांत भारतीय है, इसलिए भारत के निर्माताओं को तो जैसे इस विषय पर फिल्में बनाने का अधिकार है ही, लेकिन विलायत के फिल्म निर्माता भी पुनर्जन्म की कहानी के लालच में कई बार फंसे हैं। द रीइनकार्नेशन ऑफ पीटर प्राउड और चांसेस आर जैसी कामयाब फिल्में पश्चिम की ही देन हैं। ये दूसरी बात है कि नकल मारने की आदत से लाचार भैया फिल्मकार इन फिल्मों को हिंदी में बनाने से बाज नहीं आए, लेकिन इस बात की चर्चा हम फिर कभी करेंगे। आज हम करेंगे पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित फिल्म नील कमल की बातें। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, तुमने और मैंने इस पृथ्वी पर कितने ही जन्म लिए हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि उन सब जन्मों का हाल मुझे याद है और तुम सब भूल गए हो। तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझसा हो वो तुझे जाने, भेद तेरा को
किसा हो वो तुझे जाने, तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे थाना जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, हिंदी में एक उपन्यासकार हुए हैं गुलशन नंदा। अपने दौर के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यासकार होने के कारण प्रकाशकों का धंधा गुलशन नंदा की वजह से खूब चला। उनकी रचनाओं को लेकर साहित्य के महारथी चाहे जितनी नाक भौं सिकोड़ें, लेकिन कच्ची भावुकता में सने उनके उपन्यास किशोरों और किशोरियों को सच्ची में बहुत भाते थे। अपने ऐसे ही लेखन के कारण गुलशन नंदा के कई उपन्यासों पर फिल्में बनी और एक आध अपवाद को छोड़कर सभी फिल्में टिकट खिड़की पर भीड़ जुटाने में भी कामयाब रहीं। इन्हीं गुलशन नंदा का एक उपन्यास था नीलकमल। नीलकमल एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने पिछले जन्म में एक राजकुमारी थी और चित्रसेन नाम के एक कलाकार से प्रेम करती थी, लेकिन राजा ने चित्रसेन को मरवा दिया। राजकुमारी नीलकमल ने अगला जन्म लिया सीता नाम की एक लड़की के रूप में, लेकिन चित्रसेन का पुनर्जन्म नहीं हुआ और उसकी आत्मा भटकती हुई राजकुमारी को तलाश करती रही। ये भटकती हुई आत्मा इस जन्म में भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे पुकारती रहती है। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर सीता यानी पिछले जन्म की राजकुमारी नीलकमल अपनी सुदबुद्ध खो बैठती है और सम्मोहित सी होकर उस आवाज़ के पीछे पीछे चल पड़ती है। उसके इस तरह रात बिरात घर से निकल जाने से उसके ससुराल में गलत फहमियाँ पनपने लगती हैं। इस जन्म और पिछले जन्म के इसी रहस्यमय उहापोह के ऊपर नीलकमल की कहानी का ताना बाना बुना गया था। नीलकमल फिल्म की पटकथा फणी मजूमदार ने लिखी थी और केदार शर्मा के साथ मिलकर इसके संवाद लिखे थे इला माहेश्वरी ने। नीलकमल उपन्यास का सब्जेक्ट स्वर्गीय गुरुदत्त को बहुत अच्छा लगा था और फिल्म बनाने के लिए इस कहानी के अधिकार उन्होंने गुलशन नंदा से ले भी लिए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वे इस पर फिल्म शुरू नहीं कर पाए। निर्देशक राम महेश्वरी को भी ये सब्जेक्ट बहुत पसंद था और वे भी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे। लंबे अरसे तक जब गुरुदत्त इस कहानी पर फिल्म शुरू नहीं कर पाए तो बातचीत के बाद गुरुदत्त कहानी छोड़ने के लिए मना लिए गए और निर्माता पन्ना लाल महेश्वरी ने इस पर काम शुरू कर दिया। दोस्तों, यहां आपको फिल्म नीलकमल के निर्माता और निर्देशक का भी परिचय दे दें। फिल्म नीलकमल के निर्माता थे पन्ना लाल महेश्वरी और निर्देशक थे उन्हीं के छोटे भाई राम महेश्वरी। महेश्वरी परिवार तीसरे दशक के उत्तरार्ध से ही फिल्म जगत से जुड़ा हुआ था। बड़े भाई पदम महेश्वरी ने सन 1938 में लाहौर में रावी पार नामक एक पंजाबी फिल्म का निर्माण किया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी में
पगली नाम की एक फिल्म शुरू की। पगली अभी आधी ही बन पाई थी कि देश का बंटवारा हो गया और लाहौर पाकिस्तान में चला गया। पदम महेश्वरी अपने भाई पन्नालाल महेश्वरी के साथ बंबई आ गए। यहाँ उन्होंने पगली फिल्म को पूरा किया और मूल रूप से फिल्म वितरण का काम शुरू कर दिया। सन 1960 के बाद पन्नालाल महेश्वरी एक बार फिर फिल्म निर्माण में सक्रिय हुए। ये ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। उन्होंने लेडी रॉबिनहुड, खिलाड़ी और नाग कन्या जैसी फिल्में बनाई। इसी दौर में उनके छोटे भाई राम महेश्वरी भी उनके पास चले आए। पन्नालाल महेश्वरी की पहली सामाजिक और रंगीन फिल्म थी काजल, जिसका डायरेक्शन राम महेश्वरी ने किया था। फिल्म काजल की मुख्य भूमिकाएं मीना कुमारी, राजकुमार, धर्मेंद्र और पद्मिनी जैसे कलाकारों ने निभाई थीं। काजल राम महेश्वरी के निर्देशन की पहली फिल्म थी और कहने की आवश्यकता नहीं कि खूब चली थी। राम महेश्वरी संभवतः उन गिने चुने डायरेक्टरों में से एक हैं जो कभी किसी के असिस्टेंट नहीं रहे, सीधे डायरेक्टर बन गए। बड़े भाई फिल्म निर्माता थे और वे उन्हीं के साथ काम किया करते थे। डायरेक्शन के बारे में व्यावहारिक जानकारी के लिए इतना शायद काफी था उनके लिए, शेष ज्ञान उन्होंने किताबों से प्राप्त कर लिया। नीलकमल राम महेश्वरी के डायरेक्शन में बनी दूसरी फिल्म थी और ये फिल्म भी हिट रही। अभिनेता राजकुमार राम महेश्वरी के प्रिय कलाकारों में थे। फिल्म इंडस्ट्री की हवा के अनुसार राजकुमार को मुश्किल कलाकार माना जाता था, लेकिन राम महेश्वरी का अनुभव इस राय से एकदम उलट रहा। हाँ, अभिनेता मनोज कुमार के साथ उनका अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा। असल में हुआ यूं कि नील कमल की शूटिंग के दौरान ही मनोज कुमार ने अपनी एक नई फिल्म आरंभ कर दी और वे अपनी फिल्म की शूटिंग में बहुत व्यस्त रहने लगे। एक बार तो नीलकमल का एक सेट 20 दिनों तक यूं ही लगा रहा और मनोज कुमार को शूटिंग की फुर्सत नहीं मिल पाई। बाद में जब मनोज कुमार ने अपनी गलती महसूस की तो अगले ही दिन से शूटिंग पर वे आने लगे। कुल 2-3 दिनों का काम था, लेकिन 20 दिनों तक बेकार ही सेट लगा रहा। इस सेट पर नायिका की ससुराल का एक तनावपूर्ण दृश्य और ये गीत फिल्माया गया था। जिंदगी जो थी अब तक तेरी पनाहों में, वो जिंदगी जो थी अब तक तेरी पनाहों में, चली है आज भटकने उदास रात। नीलकमल का सब्जेक्ट सिनेमा के हिसाब से एक रिस्की सब्जेक्ट था। कहानी की नायिका सीता नाम की शादीशुदा युवती थी जिसका पति उसे बहुत प्यार करता था। ऐसी स्त्री के जीवन में एक और पुरुष की उपस्थिति दिखाना एक तरह से नाजुक मसला था। पति पत्नी थे मनोज कुमार और वहीदा रहमान, और पूर्व जन्म के प्रेमी या कहिए गैर मर्द थे राजकुमार। तीनों भूमिकाओं में इस तरह का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी था कि कहीं कोई पात्र दर्शकों की सहानुभूति खो नहीं पाए। फिल्म नीलकमल में हीरोइन सीता के पिछले जन्म का प्यार उसके इस जन्म में उथल पुथल मचा देता है, और ये शुरू हुआ उस दिन जब सीता अपनी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ रंग महल देखने गई। कितना महान प्रेमी था चित्रसेन, सचमुच नीलकमल बहुत ही सुंदर रही होगी, तभी तो चित्रसेन ने ये रंग महल बनाकर उसकी सुंदरता को अमर कर दिया। हाय,
काश मैं भी नीलकमल होती और कोई चित्रसेन मेरे लिए भी ऐसा ही रंगमहल बना। सीता क्या जानती थी कि नीलकमल जैसी होने की उसकी यह हसरत सिर्फ उसके मन की मौज ही नहीं थी, इसके पीछे एक हकीकत थी और अब वही हकीकत एक नए अंदाज में उसके जीवन में दाखिल होने वाली थी, चित्रसेन के रूप में। नीलकमल, नीलकमल, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? क्या मेरे इंतजार की घड़ियां कभी खत्म न होंगी? चली आओ नीलकमल, सुना रंग महल तुम्हें पुकार रहा है। तुझको पुकारे मेरा प्यार। चित्रसेन की आवाज में कुछ ऐसा जादू था कि सीता सम्मोहित सी होकर सुध बुध गंवा बैठती और उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ती। रंगमहल से लौटने के बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ था। चित्रसेन जब तब उसे पुकारने लगता और सीता पागल सी उसकी तरफ खींची चली जाती। रंगमहल से वापसी के वक्त यही हुआ। सीता ट्रेन से उतरकर आवाज के पीछे पीछे चल दी। सीता की दीवानगी शायद उसे किसी दुर्घटना का शिकार ही बना देती कि तभी एक नौजवान उसे बचाने के लिए आ गया। होश में तो हो? मरने का इरादा था। मरना? मैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। ताज्जुब है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? अगर मैं बचा नहीं लेता तो इस गाड़ी के नीचे आ गई होती। गाड़ी? मुझे तो इस गाड़ी से जाना था जी। मेरी सहेली स्टेशन पर इंतजार कर रही होंगी, अब क्या होगा? घबराइए मत, मैं आपको स्टेशन तक पहुंचा देता हूं। मेरे पास कार है। सीता बिना किसी को कुछ बताए निकल गई थी, इसलिए वेटिंग रूम में उसकी सहेलियों के बीच एक हड़कंप सा मच गया। प्लीज कांट यू वेट फॉर फ्यू मिनट्स, वो अभी आती ही होगी। सॉरी, आप टिकट कैंसिल करवा लीजिए। ओ नो, फिर तो सारे टिकट कैंसिल करवाने पड़ेंगे। उसे छोड़कर हम नहीं जा सकते, ये मेरी जिम्मेदारी है। अजीब सी बात है, रात के अंधेरे में सीता का वेटिंग रूम से इस तरह गायब हो जाना। न जाने बेचारी किस हालत में होगी। कल कॉलेज का चैरिटी फंक्शन है, सारी टिकटें बिक चुकी है और फिर दोनों डांस आइटम की हीरोइन भी तो सीता है। ए ए, वो आ गई तुम्हारी हीरोइन। बहरहाल सीता एक शरीफ नौजवान की बदौलत वापस लौट आई, सहेलियों की जान में जान आई और डांस का शो वक्त पर शुरू भी हो गया। आओ नी सखियो, आओ नी अड़ियो, देखो चीज निराली, ना ये मुछो वाली शहर और ना छोटी वाली, मुझे तो सखी रूप इसका दोनों के बीच का लगता। मुझे तो सखी रूप इसका दोनों के बीच का लगता। देख देख मैं तेरी खातिर विठल बनकर घूमा, गा गा कर वो धूम मचाई सारा यूरोप झूमा, मुझे ना दूतकार बोलिए कि मैं तो तेरा यार लगता। डांस का प्रोग्राम तो हो गया, लेकिन सीता की इस दीवानगी वाली हरकत को वार्डन ने बहुत गंभीरता से लिया और उसने सीता के पिताजी को बुलवा भेजा। आप इस लड़की के पिता हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, वेटिंग रूम से सीता जिस तरह वार्डन से पूछे बिना गायब हुई, अगर उस रात को स्टेशन पर लौटने के बजाय उस लड़के के साथ कहीं और चली जाती तो क्या आप हमें माफ कर देते? मुझे अफसोस है कि हमारी वार्निंग के बावजूद आपकी बेटी सब कायदे कानून तोड़कर हॉस्टल की दीवारें फांदकर रातों को बाहर जाती रही है।
आई एम सॉरी। मुझे इस कॉलेज का नाम और इज्जत बचाने के लिए सीता को एक्सपेल करना ही होगा। अगर एक मछली सारे तालाब को गंदा करे तो उसे निकाल फेंकने ही अच्छा होता है। सीता के पिता अपनी लाडली की इन हरकतों के बारे में सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने सीता को ऊंच नीच समझाया, मगर सीता ने यदि जानबूझकर कुछ किया होता तो वो शर्मिंदा भी होती, लेकिन असल बात ये थी कि कुछ करके भी उसने कुछ नहीं किया था। मैं कैसे समझ लूं कि डीन को तुमसे कोई दुश्मनी है? हो सकता है जो कुछ उसने कहा वो। पिताजी, आप तुम इतनी सी थी जब तुम्हारी मां मरी थी। एक बाप के दिल को चीर कर देखो किन उम्मीदों से मैंने तुम्हें पाला है, और आज जब दुनिया तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगी तो क्या ये दिल टूट नहीं जाएगा? कितनी उम्मीदों से तुम्हारी मां ने तुम्हारा नाम सीता रखा था। पर पिताजी, सीता जैसी आदर्श नारी को भी अपनी पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ी थी। सीता उनसे झूठ बोलेगी या उनसे धोखा करेगी, ये बात पिता कभी सोच भी नहीं सकते थे। हार कर वे सीता को एक डॉक्टर के पास ले गए। तुम जिस लड़के से प्रेम करती हो वो लड़का कैसा है? अंकल, तुम दोनों का मिलना जुलना क्यों बंद हो गया? क्या उसके माँ बाप तुम्हारे खिलाफ हैं? ओह नो। तो क्या तुम डरती हो कि तुम्हारे पिताजी उसे पसंद नहीं करेंगे? नहीं डॉक्टर, नहीं। आई से यस, यही वजह है कि ख्यालों में उसकी आवाज सुनकर तुम उसकी तलाश में निकल जाती हो। नहीं नहीं। बताओ कौन है वो? स्टॉप इट प्लीज, फॉर हेवन्स सेक स्टॉप इट। मैं किसी को नहीं जानती, मैं किसी से प्रेम नहीं करती, मुझे गलत मत समझी। मैं हर किसी से यही कहती हूँ, मुझे गलत मत समझो, मैं किसी के साथ नहीं जानती, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? सीता को कोई शारीरिक या मानसिक रोग होता तो डॉक्टर उसका निदान भी करता। जो सीधा साधा निष्कर्ष डॉक्टर निकाल सका वही उसने सीता के पिता को बता दिया। सीता को नींद में चलने की बीमारी है, शीज अ स्लीप वॉकर। लेकिन डॉक्टर, मेरी समझ में नहीं आता कि वो नींद में हॉस्टल की दीवारें कैसे फान सकती है? तुम नहीं जानते रायचंद, ये नींद में चलने वाले दीवारें तो क्या पहाड़ों की चोटियों पर भी चढ़ जाते हैं, नदियां पार कर जाते हैं, बेखुदी की हालत में वो किसी का खून भी कर सकते हैं, और जागने पर कुछ भी याद नहीं रहता। हे भगवान, मेरी बच्ची का क्या होगा? घबराओ नहीं रायचंद, इससे पहले कि बात फैल जाए और लड़की बदनाम हो जाए तुम सीता की शादी कर दो। लेकिन शादी के बाद भी अगर अजी ससुराल पहुंचकर नए बंधनों में बंध जाएगी, पति का प्यार मिलेगा, और बाल बच्चा होने के बाद भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीता के पिता को अब बेटी के ब्याह की चिंता हुई। थोड़ी कोशिशों के बाद सीता का एक अच्छे घर में रिश्ता तय भी हो गया। और फिर कुमार्या भ्राता समीपला समिसरान लाजानंजलिनांजला वावपतितांजुहोति सगुहतेन तिष्ठत त्यर्यमनंदेवं कन्या अग्निमयक्षतो इदमर्यमनेन मम। बेटी, आज तेरी माँ होती क्या क्या नसीहतें देती, ऊंच नीच समझाती, लेकिन मैं तेरा बाप हाथ बांध कर यही मांग रहा हूं, बेटी मेरी पगड़ी की लाज रखना। सीता राम की दुल्हन बनकर पिता के घर से विदा होने लगी तो पिता का हृदय हर्ष और विषाद के झूलों में झूल उठा। पिता के दिल की अनगिनत दुआएं विदा होती हुई बेटी की बलैया लेने लगी। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा
जा तुझको सुखी संसार मिले, मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। फिल्म नीलकमल का ये विदा गीत अपने समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। आज भी ब्याह शादी के मौकों पर यह अक्सर सुनाई दे जाता है। साहिर लुधियानवी की ये रचना उन गिने चुने फिल्मी गानों में से एक है जिसे रचने में काफी समय लगा था। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे, होंठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे, कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले, मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छांव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी, मेरी लाडली तेरे पांव में, उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी। सीता की शादी हुई राम से, वही राम जिसने एक बार सीता को दुर्घटना से बचाया था। पहचान लिया? पहचानूंगी नहीं। तो बताओ। वही जो रोम रोम में बसा है और दिल की धड़कनों से आग मचोली खेल रहा है। दो दिन की मुलाकात और इतनी पहचान। भगवान जिन दो आत्माओं को एक बंधन में बांध देते हैं, वही संसार में जन्म लेकर विवाह बंधन में बंधते हैं। आप तो मेरे हैं स्वामी। नहीं, जन्म जन्म से तुम्हारा प्रेमी। आंखें चाहती हैं कि तुम्हें देखा करूं और दिल ये चाहता है कि तुम्हें सीने में छुपा लूं। जिस नील कमल की सदियों से प्रतीक्षा कर रहा था चित्रसेन, वो नील कमल किसी और की हो जाए, ये बात चित्रसेन कैसे सहन करता? विरह में जलती उसकी आत्मा बरबस ही अपनी प्रेयसी को पुकार उठी। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा, तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा, मुझसे है तेरा इकरार है, आजा मैं तो मिटाऊं तेरी चाह में, तुझ
तुझको पुकारे मेरा प्यार। मुझे मालूम था आज रात को तुम्हें आना ही होगा और तुम आ गई। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा चित्रसेन, तुम्हारा प्रेमी। मेरा कोई प्रेमी नहीं, मेरे पति का प्यार ही मेरा जीवन है। हाथों में मेहंदी भरने से एक अजनबी तुम्हारा पति बन गया और मैं जो सदियों से तुम्हारे प्रेम की ज्वाला में जलता रहा, तुम्हारा कुछ नहीं। नील कमल लाओ, जीवन और मृत्यु की सीमा के उस पार मेरी आत्मा में लीन हो जाओ। आओ नील कमल। मैं सीता हूं, अपने राम की सीता। मेरा जीवन मेरे राम के लिए है। तुम जा रही हो नील कमल, लेकिन जाओगी कहां मुझे छोड़कर? जहां जाओगी मुझे पाओगी। उधर बिना कुछ बताए सीता के घर से निकल जाने के कारण राम परेशान हो उठा और उसकी तलाश में निकल पड़ा। अरे तुम यहां हो, मैं कहां कहां ढूंढ आया। मैंने सोचा मेरी दुल्हन कहां चली गई। ये क्या मायके की याद आ गई? अगली कहीं की तुम्हारे जीवन की इस कमी को मैं अपने प्यार से भर दूंगा। आज मैं सारी दुनिया से पूछना चाहती हूँ, है कोई इतनी खुशनसीब लड़की जो सीता की तकदीर लेकर पैदा हुई हो? पगली, हमारे प्यार को कहीं जमाने की नजर न लग जाए। सीता का पति राम एक नेक दिल नौजवान था, मगर सीता की सास और ननद संकीर्ण दिलों वाले लोग थे। वो पटरानी अभी तक पलंग पे ही पड़ी। माँ, मुझे तो लगता है तुम्हारे काशी जाने को वक्त आ गया है। अरे माँ जी, बस बस बहू, मुझे मत छूना। अभी तक तुम ना ही नहीं हो। इस घर की बहू बेटियां सूरज निकलने से पहले नाचती, यही इस घर की रीत है। जी क्या करे बेचारी, देर से सोई होगी और फिर डर भी किसका है? मालिक का मालिक कौन? या मुझे यहाँ कैसे? मुंह दिखाई मिली थी मुझे तो गिरधर जी ने दी थी। गिरधर ने? चोर कहीं का। दीदी ये आप क्या कह रही हैं? वो तो आपके पति हैं, पति तो देवता समान होते हैं। अभी उस देवता को मजा चखाती। सीता के ननदोई की भूमिका में थे महमूद। तेज मिजाज पत्नी के घर जमाई पति के रूप में उनकी हास्य भूमिका खासी दिलचस्प रही। खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल, बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल, वो भी आधे खाली निकले, जिन पे लगा था भरे कले बल, वो भी आधे खाली निकले, जिन पे लगा था भरे कले बल। ओ, हमने इस दुनिया के दिल में झांका है सौ बार, ले ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे। सीता का रातों को उठकर चल देना किसी के भी मन में शंका पैदा कर सकता था। सास और ननद उसके खिलाफ मोर्चा ही खोलकर बैठी गईं। उठो माँ, उठो, जल्दी उठो ना। क्या है री? तुम्हारे घर की लक्ष्मी। लक्ष्मी?
हाँ, खूब बंसवर कर, इतनी रात को इस घर से गई है हमारी भाभी किसी से मिलने। इतनी रात हो गई, आप लोग अभी तक सोए नहीं? भैया आज फिर बंधन कर गई है। कहाँ गई है? गई होगी किसी कुंज गली में भटकने। मैं कहती हूँ ऐसी औरत को चोटी पकड़ कर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। माँ, जब घर की लक्ष्मी को धक्के देकर निकाला जाए तो घर की इज्जत और आबरू उसी वक्त खाक में मिल जाती है। वो इस घर की लक्ष्मी नहीं, हमारे माथे पर कलंक का टीका है। तो एक काम करो, दोनों मिलकर उसका गला घोंट दो, खानदान की इज्जत भी बच जाएगी और माथे का कलंक भी धुल जाएगा। पागल होता जा रहा हूं, न जाने से क्या हो गया है, कहां जाती हूं। इधर ये आलम था और उधर सीता अकेली जूझ रही थी एक अनोखे द्वंद से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम मुझे बार बार यहाँ क्यों लाते हो? मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुम्हें कुछ याद नहीं? तुम अपने आप को भी भूल गई? भूल गई कि तुम नीलकमल हो, राजकुमारी नीलकमल, और मैं चित्रसेन, तुम्हारा चित्रसेन, जिसने तुम्हें दिल से चाहा और तुम्हारी चाहत ने अपनी दुनिया लुटा दी। याद है वो दिन और रातें जब हमारे दिलों की धड़कनें संगीत बनकर गूंजती थीं और तुम उसकी मधुर लय पर झूमकर नाच उठती थी। शर्मा के यूं न देख अदा के मकाम से, शर्मा के यूं न देख अदा के मकाम से, अब बात बढ़ चुकी है हया के मकाम से। दिल के मामले में नतीजे की फिक्र क्या, दिल के नतीजे की फिक्र क्या, आगे है इश्क जुर्म सजा के मकाम से, शर्मा के यूं न देख अदा के मकाम से। पुनर्जन्म की भूल भुलैया का ये इंद्रजाल बहुत अनोखा था। चित्रसेन की आवाज सीता को सम्मोहन की दुनिया में ले जाती और राम की पुकार उसे वापस खींच लाती। सीता, सीता, मैं कहाँ हूँ? झील पर। झील? हाँ। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे यहाँ कौन ले आया? कौन ले आया? तुम्हारा चरित्र। राम, 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 सच बताओ क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आए? हाँ मैं, एक पति जो अपनी पत्नी को पवित्रता की चौखट से यहाँ तक लाया। बताओ, बताओ मुझे कौन है वो जिससे तुम मिलने आती हो? मैं सच कहती हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। मेरा विश्वास करो, मेरे राम तुम ही हो। मेरे जीवन में सिवा तुम्हारे कोई नहीं है राम। मुझे भगवान की सौगंध, मेरे सब कुछ तुम ही हो। मुझे तुम्हारी सौगंध राम, मुझे तुम्हारी सौगंध। मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ राम, मत जाओ। जो चाहे मुझे सजा दे, पर यह छोड़कर मत जाओ। मुझे अपने साथ ले चलो।
सीता की समस्या ऐसी थी कि किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। ससुराल वाले भी उसके चरित्र पर शक करने लगे। पति उससे उदासीन सा रहने लगा। सीता के पिता ने स्थिति संभालने की कोशिश की तो उन्हें अपमानित होना पड़ा। अब जो कलाई खुल गई कि बेटी रातों को उठकर किसी से मिलने जाती, तो बाप ने एक कहानी घड़ ली कि सीता को नींद में चलने की बीमारी है। देखिए, दोष दरअसल मेरा है। शादी से पहले मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। सीता बिल्कुल निर्दोष है, ऐसा पाप वो कभी कर ही नहीं सकती। कौन कहता है? एक बाप का विश्वास। बाप का विश्वास और बेटी की पवित्रता, दोनों ही महंगी पड़ी हमें। कुल को कलंक लगा। मेरे इकलौते बेटे की जिंदगी में बैठे बिठाए तूफान आ गया। वो बेचारा शर्म के मारे शहर छोड़कर चला गया। लड़की ऐसी वैसी नहीं है समधन, वो तो देवी है। देवी? देवी है जो रात के अंधकार में अपनी पवित्रता का प्रचार करने जाती है? हमें बेवकूफ बनाते हो समधी। अब तो हमें तुम्हें समधी कहते हुए भी शर्म आती है। ऐसी देवियां तुम जैसे के घर ही शोभा देती। आप क्या कह रही हैं? आप अपनी बेटी अपने घर ले जाइए जी, और फिर इसे कभी यहां मत भेजिएगा। ऐसा न कहिए, मुझे जो चाहे सजा दे लीजिए, मगर मेरी बेटी। तुम्हारी बेटी इस घर में नहीं रह सकती। लड़की ससुराल छोड़कर मायके कैसे संभाल सकती है संभन? मुझ पर तरस खाओ। लड़की वालों के सर तो हमेशा ही झुके रहते हैं, मैं तुम्हारे पांव। बेटी की दुर्दशा देखकर पिता का कलेजा मुंह को आ रहा था, मगर क्या करते। एक लाचार पिता के असहाय आक्रोश को अभिनेता बलराज साहनी ने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी है। सीता मेरी बच्ची है, तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं पिताजी, आपकी बेटी की अग्नि परीक्षा हो रही है। कमबख्त, बाप को नाटक दिखाने आई है। हाय राम, बस शुभनी तो देखो, हाथ में सुहाग की चूड़ियां तक नहीं। डायन, मेरा इकलौता बेटा परदेश गया हुआ है, पर तू क्यों उसकी खैर मनाने लगी? खबरदार जो मेरे सुहाग की तरफ उंगली उठाई तो। हाँ, आंखें दिखाती है उल्टा। पिताजी, मेरी बच्ची। पिताजी, पिताजी, चोट तो नहीं लगी ना बेटे? पिताजी, कौन? नहीं बेटे, ये खून नहीं है, ये सब पानी है। अगर खून होता मेरी बच्ची, बेटी की तड़प देखकर इस मनहूस दुनिया में आग न लगा देता। चलो मेरी बच्ची, इसी वक्त मेरे साथ चलो। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, आप ही ने तो कहा था कि भले घर की बेटियां डोली में बैठकर पति के घर आती हैं और अर्थी पे जाती हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बेटी अपने माथे से ये झूठे कलंक का टीका इसी जन्म में मिटा सके। इसी जन्म में चाहिए। पिता अकेले वापस लौट गए। राम काम से बाहर चला गया और पीछे अकेली सीता की ससुराल में दुर्गत होती रही। राम वापस लौटा तो सीता की हालत देखकर वो परेशान हो गया। ये क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ? देखते हैं मैं कितनी खुश हूँ, सीता जैसी तकदीर लेकर कितनी लड़कियां इस दुनिया में आती हैं। मुझे जाने दो, घर का इतना काम काज और मैं अकेली। तुम सब कुछ सहती रही हो और मुझे जो एक विषद नहीं लिखा तुमने। अब तो मुझे अकेली छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? सांसें बाकी हैं। तुम्हें मुझे डोले में बिठा कर इस घर में लाए थे, अब तुम्हें मुझे कंधा देकर शमशान तक नहीं पहुंचाओगे? सीता, माँ! नहीं, माँ से कुछ मत कहना। नहीं, तुमने इसकी क्या हालत बना दी? तो कब आया राम? सुन,
बाबा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने इसकी क्या गत बना रखी। माँ से कौन पूछते हो, रानी जी से पूछो ना। मैं इसे तुम्हारे पास यहाँ इलाज के लिए छोड़ के गया था। वापस आकर देखता हूँ कि सारे घर का काम ये अकेली कर रही है, घर में एक भी नौकर नहीं। क्या करती, नौकरों से सारे शहर में झिंडोरा पिटवाती। इस घर की बहू सच सच कर रातों को बाहर भटकती है। अगर ये बदचलन होती तो तुम्हारे जुल्म इस तरह ना रहती। अरे वो चोरों के गुलाम, पर इस चुड़ैल ने जादू कर दिया है। तो तुम क्या चाहती हो, इसकी जान लेना लो मां जानो से। हराम, माँ को खून भी ठहराता है। मैं कहता हूँ दबा दो इसका गला और बचा लो अपने पुरखों की इज्जत। चल 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 चल, अब तो इस घर में पानी पीना भी पाप है। राम सीता को प्यार करता था, उसे सीता की सच्चाई पर विश्वास भी था, परंतु जब भी राम और सीता नए सिरे से अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश करते, चित्रसेन की आत्मा सब गड़बड़ कर देती। तुम्हें आना ही होगा, आओ, आओ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, राम राम, तुम कहाँ को गए? नौबत यहां तक आन पहुंची कि राम ने भी सीता को कुलटा मान लिया। ये लोग जो तुम्हें नीच, बेशर्म और कुलटा कहते हैं, आज आज मैं ये कहूं कि ये सब लोग ठीक कहते हैं, सच कहते हैं। तो राम, मत छुओ मुझे। तुम भी अपनी सीता की अग्नि परीक्षा लेना चाहते हो? आज इन बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। तो फिर मैं इस धरती का बोझ नहीं बनूंगी। इतने दिन तक इस घर में मैंने सब जुल्म सहे, सिर्फ एक तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे विश्वास के सहारे। जब तुम्हारा विश्वास ही मुझ पर से उठ गया, जो मेरी जन्म जन्म की पूंजी थी, अब तुम कहोगे भी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जिस कलंक को जीते जी ना मिटा सके, मर के तो मिटा सकूं। पति का विश्वास खोने के बाद सीता के पास जीने का कोई कारण नहीं रह गया और वो अपने जीवन का अंत करने के लिए घर से निकल पड़ी। मरना चाहती थी लेकिन मर नहीं सकी। आत्महत्या महापाप है बेटी, कायरता है। लेकिन मेरा जीवन धरती छाती का बोझ बन गया है। राम राम राम, ऐसा न कहो बेटी, भगवान का दिया हर जीवन वरदान है
और फिर जीवन में दुख सुख तो धूप छांव की तरह आते, महानता तो उनको हंसते हंसते झेलने में ही है। और अब तुम मां बनने वाली हो। मैं क्या करूंगी, मैं कहां जाऊंगी। घबराओ नहीं बेटी, मैं तुम्हारे पिताजी को खबर भिजवा दूंगा। नहीं नहीं, अब मैं उनको कैसे मुंह दिखाऊंगी। मैंने तो उनसे कहा था कि पति के कंधों पर ही उस घर से मेरी आरती निकलेगी। नहीं बाबा नहीं, अब मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। मुझे यही आश्रय दो। अब तो भगवान के घर से बड़े आश्रय मेरे लिए और नहीं है। जैसी प्रभु की इच्छा। आ हा हा, आज फिर सती सीता आश्रय ढूंढ रही है। की प्रार्थना सफल हुई, उसका राम उसे लेने के लिए आ गया। एक बार सीता को तुम उसके पिता के घर से ब्याह कर लाए थे, लेकिन उसका तुमने अनादर किया। आज तुम सीता को भगवान के घर से ले जा रहे हो। उसके साथ यदि फिर अन्याय हुआ तो भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। गुरुदेव, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। जब तक मेरी सांस में सांस बाकी है, सीता को ना तो कोई मुझसे छीन सकता है और ना ही कोई जुदा कर सकता है। चित्रसेन को यह कहां गवारा हो सकता था कि उसकी नीलकमल उसे भुलाकर किसी और के साथ जीवन बिताए। राम के साथ ट्रेन में वापस अपने घर को लौटती हुई सीता को उसने पुकार कर एक बार फिर अपनी ओर खींच लिया। कमल, तुम्हें याद नहीं तुम्हें राजकुमारी नील कमल हो? देखो ये मूर्ति, वो होली का दिन, वो तुम्हारा फीका हुआ बदन, चारों तरफ रंग ही रंग था, आकाश रंगीन था, धरती रंगीन थी, हमारे जिस्म रंगीन थे और हमारे दिल प्यार के रंगों में डूबे हुए। कैसे कोई भूलेगा वो दिन। होली के जिक्र से सीता के सामने पूर्व जन्म साकार होने लगा और सीता नीलकमल बनती चली गई। तुमने वादा नहीं किया था रंग महल के जश्न की शाम को तुम मुझसे मिलोगे, फिर क्यों नहीं मिले? हाँ, लेकिन महाराज ने मुझे इनाम देने के लिए रोक लिया था। ऐसा कहो ना, उस इनाम के लालच में तुम अपनी नीलकमल को भूल गए। इस नीलकमल को जिसे तुम अपना तन मन और प्राण कहते थे, मैं सारी रात तुम्हारे इंतजार में तड़पती रही, आंसू बहाती रही, लेकिन तुम्हें इसे क्या। अगली सुबह अचानक पिताजी ने मुझे ननिहाल भेज दिया और वापस लौटी तो पता चला तुम हमारा राज छोड़कर कहीं चले गए। क्यों, आखिर किस लिए? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझे इस तरह छोड़कर चले गए? नीलकमल, तुम्हें किसी ने नहीं बताया मुझ पर क्या गुजरी? क्या? मुझे जंजीरों में जकड़ दिया गया। जंजीरों में? जंजीरों में? महाराज ने मुझे इनाम देना चाहा और इनाम में मैंने तुम्हें मांग लिया। तो फिर?
इनाम में मिली जिंदा मौत, मुझे दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। नीलकमल को सब कुछ याद आ गया तो चित्रसेन की जैसे सारी मुरादें पूरी हो गईं। सदियों से भटकती हुई उसकी आत्मा को जैसे चैन आ गया। मेरे बलिदान से तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है तो मैं बलिदान के लिए तैयार हूं। बलिदान? तुम बलिदान दोगी अपने मेरी मुक्ति के लिए? नहीं नहीं नीलकमल, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नीलकमल, त्याग ही प्रेम की परीक्षा है, त्याग ही प्रेम की कसौटी है। रंग महल की जिस दीवार में चित्रसेन को जिंदा चुनवा दिया गया था, वो नील कमल के स्पर्श के साथ ही फटकर धराशायी हो गई। चित्रसेन के अवशेष बाहर बिखर गए, उसे मुक्ति मिल गई। और तभी सीता को पुकारता हुआ राम वहां आ पहुंचा। सीता की मूर्ति और रंग महल के खंडरों में सीता का यहां आना, दीवार का टूटना, ये जंजीरें, ये हाथ, मालूम होता है किसी भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिली है। और उन सब का किसी पिछले जन्म का संबंध है जिसे हम सब नहीं समझ सकते। राम, मेरे राम। सीता, पिछले जन्म का वजूद है या नहीं, आत्माओं का कोई संसार होता है या नहीं होता, इस विषय पर प्रामाणिक रूप से शायद कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु प्रचलित धारणाओं के अनुसार अतृप्त आत्माएं भटकती हैं और मुक्ति के लिए बाट चुहोती हैं। फिल्म नीलकमल में नीलकमल के लिए चित्रसेन की भटकती हुई आत्मा को अंततः नीलकमल के स्पर्श से मुक्ति मिल जाती है, फिर सीता भी अपने राम से मिल जाती है। और यही इस कहानी का स्वाभाविक अंत था और यही फिल्मकार ने किया भी। नीलकमल टिकट की खिड़की को मद्देनजर रखकर बनाई गई फिल्म थी, ये खासी कामयाब भी रही। लेकिन एक नए ढंग के विषय को उठाने और प्रस्तुत करने के प्रयास के लिए फिल्म के निर्माता की सभी ने सराहना की। बाइस्कोप की बातें आज हुई फिल्म नील कमल को लेकर। यहां वहां से और न जाने कहां कहां से ये जानकारियां बटोर कर स्क्रिप्ट के रूप में लिखकर लाए थे रमेश जोशी, और राजलक्ष्मी की मदद से प्रोग्राम के रूप में ये बातें आपको सुना रहे थे लोकेंद्र शर्मा।